हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं टैली में। कंपनी क्रिएट कर लिया था, कंपनी का पासवर्ड लगाना है, कंपनी बैकअप रीस्टोर, कैसे कंपनी को कंपनी डिलीट होगी, कैसे हमको फाइल रीस्टोर करें, कैसे बैकअप बनाएं। तो आज हम पहले सबसे बात करेंगे कैसे कंपनी में पासवर्ड लगाएं ताकि कोई और आपकी कंपनी को देख ना रहे। चलिए, वेलकम टू द माई चैनल गवर्नल। मैं आपका होस्ट है दोस्त अनिल कुमार गौर। आज मैं कंटिन्यू करूंगा अपना टैली के वीडियो की सीरीज को थोड़ा सा आगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट कंपनी। कंपनी बोलते हैं तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कंपनी को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कंपनी नाउ, वेट अ मिनट। अब जैसे कंपनी हमने बनाई राकेश ब्रदर्स, ठीक है। कंपनी नेम, एड्रेस, कानपुर, जो भी आप लिखना लिख सकते हैं। 2620 फोन नंबर, दैट वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू एंटर इट। फैक्स नंबर, ईमेल राकेश ब्रदर gmail.com, ठीक। वेबसाइट www.rakeshbrother.com, ठीक है। कंपनी सेम है, एज एड पैटर्न हम 2122 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे है एक पासवर्ड है टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ एनी। यहाँ पे हम पासवर्ड आया था, पासवर्ड दो जी, एक सिंपल पासवर्ड है जिसमें आपका से पासवर्ड एंटर कर, एक होता है एडमिन पासवर्ड, आप में एडमिनिस्ट्रेटर का नेम भी डालना पड़ेगा, सिंपल सब चीज़ है। तो हम पहले दोनों पासवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर हमने जैसे पासवर्ड लिखा 10, ठीक है। पासवर्ड देखिए लिख क्या रहा है, वीक है, तो पासवर्ड शुड बी अ स्ट्रॉन्ग जो आप रिमेंबर कर सकते हैं। हमने एंटर किया अपना फोन नंबर 8787056022, ठीक है, 8787056022 पासवर्ड। अभी हमने सिक्योरिटी कंट्रोल, ये सिक्योरिटी का अवेलेबल की मतलब स्पेशल फीचर है, इसको हम यस करते हैं। इसमें कंपनी का नेम नहीं होगा। अब यहाँ पे नेम एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर हमारा है गवर्नल, ठीक है, गवर्नल नाम से हमने एडमिन बना दिया। अब पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे छोटा पासवर्ड रखेंगे 10, ठीक है, 10, ठीक है। आप इसको इनेबल कर देंगे, यस, ठीक है। यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। अब जब कंपनी पासवर्ड लगाते हैं तो दे टेक मोर टाइम टू सेव। अब सेव करने पे हमको सेव करना पड़ेगा, गलत देखिए, पहले वॉल्ट पासवर्ड स्टार्टिंग में जो लिखा था 8787056022, ठीक है। नाउ एडमिन नेम, यहाँ पे दो सिक्योरिटी हो गई, तो गौर अनिल, ठीक। यहाँ पासवर्ड 10101010 किया, अब कंपनी सेव हो गई है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कंपनी सेव हमारी। अब कंपनी को बंद करते हैं, बता दें शॉर्टकट, यहाँ पे आप देख सकते हैं शट कंपनी, अल्टा प्लस F1, कंपनी बंद हो गई। अब सिलेक्ट पे जाएंगे, जहाँ कंपनी सिलेक्ट करेंगे, वाइल वी सिलेक्टिंग यू चेक यू सी दैट देयर इज अ नो नेम ऑफ कंपनी बिकॉज हमने पासवर्ड इनपुट किया है। तो हम अगर इनपुट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको वॉल्ट पासवर्ड जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, जहाँ फोन नंबर था, वो इनपुट किया, साथ में एडमिन नेम और पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। ये कंपनी का हमारा बेसिक स्टेप हो गया, कैसे हमने कंपनी बनाई और कैसे पासवर्ड लगाया। आज हम बात करेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन की, दिस इज कॉल्ड F3 अल्टा प्लस कंपनी इन्फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, कंपनी को बैकअप करेंगे, इजी स्टोर करेंगे और डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज द कंपनी, ये कंपनी राकेश ब्रदर है। नाउ अल्टा प्लस F3, यहाँ पे हमने कंपनी की इन्फॉर्मेशन पे आ गए। यहाँ सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे लिखा बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप क्या, कभी भी हमको डेटा बैकअप मतलब हमको सुरक्षा भविष्य के लिए हमको कुछ चीज़ चाहिए होती तो बैकअप कर लेते हैं, तो हमको बैकअप बनाना पड़ता है। और रीस्टोर अगर बाय डिफॉल्ट कंपनी बैकअप अगर नहीं बना तो रीस्टोर नहीं वर्क करेगा, तो बैकअप पहले बनाते हैं फिर रीस्टोर। बाय डिफॉल्ट किसी ने कंपनी डिलीट करी तो बैकअप हमारे पास वो चीज़ है, रीस्टोर एक तरीका है जिसकी वजह से उसको रिस्टोर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी का बैकअप करेंगे। यहाँ पे बी लिखा है बिफोर बैकअप, क्लिक करते हैं, राइट द कंपनी नेम, यहाँ पे किस चीज़ का बैकअप बनाना है आपको, सी में हमने कहा डी में बनाना हमको, ठीक। कंपनी नेम हम ले लेते हैं गौर एनी टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे इसका बैकअप बना रही। अब यहाँ पे एरो से एंड लिस्ट करेंगे, वरना सारी लिस्ट ऑफ यहाँ पे एंड लिस्ट कर दिए, ये हमारी कंपनी का बैकअप हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तो बैकअप बनाने की बात, अगर बाय डिफॉल्ट किसी ने कंपनी डिलीट कर दी, डिलीट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा अल्टर। अल्टर इज द ऑप्शन वी कैन चेंज एनी काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक लेजर में नेम चेंज करना है, कंपनी का नेम चेंज करना, हम अल्टर से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द अल्टर पे यूज करते हैं, ये राकेश कंपनी खुली है, ये डिलीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपनी को पहले शट करेंगे, कंपनी को बंद कर दी राकेश को भी। अब यहाँ पे आएंगे, हमने ओपन कर दी अपनी कंपनी, कौन सी थी, गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन, ये ओपन है। अब यहाँ पे देखिए अल्टर ऑप्शन आ गया, हम चाहते हैं कंपनी को यहाँ पे हम डिलीट कर दें, यूज करते अल्टर प्लस डी फॉर डिलीट अ कंपनी, अल्टर डी
देन यस, दो बार कंफर्मेशन मांगेगा ये, देन यस। अब कंपनी डिलीट होगी, कैसे पता कि डिलीट होगी, हम यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट पे, नाउ गोइंग टू द सिलेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी है, देयर इज नो एनी कंपनी, नाउ यूज द ऑप्शन ऑफ रीस्टोर, आप रीस्टोर पे क्लिक करते हैं, रीस्टोर पे आने के बाद ऑप्शन पूछेंगे क्या क्या रीस्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए कंपनी का बैकअप दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी में बैकअप है गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन की, यहाँ पे हम आएंगे क्लिक करेंगे एंड लिस्ट, अब कंपनी हमारी रीस्टोर हो गई है, यहाँ पे आके देखते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे कंपनी हमारी अवेलेबल है, चेक इट, कंप्लीट रीस्टोर का ऑप्शन। आज हम बात करते हैं शुरू से, ठीक है, अल्ट्रा डब्ल्यू वर्क इन एजुकेशनल मोड यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे कंपनी को अल्ट्रा एफ1 से कंपनी बंद कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले कुछ ऐसा आएगा, हम क्रिएट कंपनी करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे उसका बैकअप रीस्टोर दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है, पहले हम बना लेते हैं जी टी एल एन टी कंपनी, लार्सन एंड टर्बो कंपनी, ठीक है, न्यूयॉर्क या जापान लिख देते हैं कंपनी, कुछ भी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, जो भी इनपुट करना है इनपुट कर सकते हैं, पिन कोड से लिखेंगे, ठीक है, डिटेल आप फिल कर सकते हैं, बाकी कंपनी को सेव करना है, हम पासवर्ड सिंपल पासवर्ड लगा देंगे 1010 ताकि हमको याद रहे, इसको नो करेंगे, ठीक है, ये कंपनी बना दी, ठीक है, नाउ कंपनी इज क्रिएटेड 10, ठीक है। अब हम चाहते हैं कंपनी का नाम चेंज करके लार्सन एंड टर्बो फुल फॉर्म आ जाए, तो हमको यूज करना, हमने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी इन्फॉर्मेशन, वेयर वी हैव कैन चेंज दिस कंपनी, डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, अल्टा प्लस F3 यहाँ पर आएंगे अल्टर ऑप्शन, आप कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हैं लार्सन एंड टर्बो, हाँ एक चीज याद रखिएगा, आप डेट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे वरना कंपनी का डेटा मिसप्लेस हो जाएगा, सो रिमेंबर प्लीज डोंट डेट चेंज द डेट, ओनली चेंज द नेम इफ यू वांटेड टू चेंज द नेम, ठीक है। अब देखिए लास्ट ने टाइप होगा, नेम चेंज हो गया, अब मैंने बताया था कि कंपनी का बैकअप करेंगे फिर रीस्टोर करेंगे, फिर बैकअप करने के बाद डिलीट करेंगे फिर रीस्टोर, हम करते हैं बैकअप पे आते हैं, कमिंग टू द बैकअप ऑप्शन, बैकअप पे आ गए हम लोग, कंपनी का डी या बैकअप कंपनी का नाम, क्या कंपनी नाम था मेरा, पहले कंपनी पहले हम बंद कर देते कंपनी, ठीक है, अल्ट्रा फोन बैकअप पे आते हैं, कंपनी का नाम क्या था लार्सन एंड टर्बो, यहाँ पे कंपनी अच्छा पासवर्ड लगाया है दैट वाई नॉट सो दैट, ठीक एंड यस कर दिया, ठीक कंपनी रिस्टोर हो बैकअप हो गया, ठीक है। अब अल्टर से हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अल्टर प्लस डी डिलीट, यस ये कंपनी हमारी डिलीट हो गई, फिर यहाँ पर आएंगे रिस्टोर, रिस्टोर पे आने के बाद हम कंपनी का रिस्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे हमको कंपनी का नेम, देखिए कंपनी नेम गवर्नमेंट टेक्निकल पैलेस दिख रही है, ये अभी स्टोर की गई, देख सकते हैं टाइम 12:48, ठीक एंड लिस्ट, ये कंपनी हमारी पासवर्ड डाल के रिस्टोर कर सकते हैं, वी डोंट नो द पासवर्ड, यू कैन नॉट रिस्टोर द कंपनी, फर्स्टली यू हैव टू नो द पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं सिलेक्ट कंपनी करते हैं, देख सकते हैं हमारी कंपनी आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह आज मैंने बताया How to restore company, how to back a company, how to create a company, how to maintain a password. तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई कैसे कंपनी पासवर्ड कैसे रिस्टोर करते हैं। बाकी वीडियोज़ में और भी आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा लेजर क्रिएशन का वीडियो आएगा, लेजर के बारे में बताऊँगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कर सब्सक्राइब करो, साथ में कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। Have a good day all of you.